चाय पी ली है आज मैंने, सुबह सुबह मूड खराब हो गया। What's up guys, good morning. So vlog number 101 और हमने 100 vlog क्रॉस कर दिए हैं, और मतलब 100 तक मेरे को इतना फील नहीं होता कि हाँ 100 vlog हो चुके हैं, बट जब मैं 101 vlog शूट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार कुछ तो अलग हुआ है। 100 डेज तक डेडिकेशन दिखाई है तो जाके इतना हुआ है, अभी थोड़ी सी और डेडिकेशन दिखाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। और अभी जस्ट जिम ख़त्म किया है और ले पोपाटी आए हुए थे, यहाँ पे एक स्मूदी ऑर्डर किया है मैंने आज, क्योंकि थोड़ा सा थक जाता हूँ। आज बैक किया, सबसे पहले जो रूटीन एक्सरसाइज होती हैं वो करी, स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, देन उसके बाद आज मेन था बैक का, तो आज बैक की सारी एक्सरसाइज करी हैं। देन उसके बाद बास्केटबॉल खेला और अभी आ चुके हैं हम ले पोपाटे, और हमारी स्मूदी भी रेडी है तो दिखाता हूँ कैसी स्मूदी है हमारी। ये है मेरी ग्रीन बूस्टर स्मूदी, इसमें है तो इसमें है कीवी, बनाना, कुकुम्बर, हनी, बहुत सारी चीजें, तो उसको ट्राई करते हैं कैसी है। थोड़ी सी नमकीन सी है ये, ठीक है। हाँ बस ये कल से नहीं आएगी। What's up guys, good morning, it's me Nilesh, और आज है 7th of October 2021, और वर्कआउट ख़त्म कर चुका हूँ, अभी 7:26 हो रहे हैं, और कार्डियो के लिए हम लोअर कार्डियो के लिए बास्केटबॉल खेलने आ चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरा रिजल्ट आ चुका है, कल आया था रिजल्ट, ऑल क्लियर, तो मुबारक हो मेरे को। और आज है पहला नवरात्रा, तो मेरा व्रत भी है आज, मैंने सोचा कि व्रत रख लेते हैं बिकॉज ऑफ दोनों चीज़ हो जाएंगी, एक तो वेट लॉस भी हो जाएगा और दूसरा चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ये भी हो जाएगा। तो अभी आज बाइसेप्स किए मैंने पूरे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और एब्स तो रोज़ करता ही हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह रोज़ चल रहा है अभी तो, मेरा 5th डे है आज जिम में, तो अच्छा चल रहा है अभी तक तो एकदम ही। अब मैंने थोड़े डेज बना लिए हैं कि हाँ अब इस दिन ये कर रहा है, तो अब मैं स्पेसिफिकली उस दिन ही सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो अभी जा रहा हूँ बास्केटबॉल खेलने, और कैप लाने का मेरा पर्पस था कि धूप आ जाती है तो थोड़ा सा फेस में टैनिंग कम होगी, अभी जब अच्छा व्यू आ रहा है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, करते हैं इस न्यू व्लॉग को शुरू। तो ये व्लॉग 2 दिन का व्लॉग है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं देगा कि याद आता क्या आ जाता बीच बीच में भाई। सो अभी 8 बज रहे हैं और मैं रूम पर आ चुका हूँ, बास्केटबॉल खेल लिया, अच्छा खासा वर्कआउट भी हो गया। होता क्या है कि जो स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस वगैरह है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को, बट जो मेरी मेन एक्सरसाइजेस है बाइसेप्स करना, तो उसमें मेरे को थोड़ा कम टाइम लग पाता, मतलब उसमें थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है करने का वर्कआउट। सोचता हूँ कि 1 घंटे में सब खत्म कर दूँ और हाफ एन आवर जो है बास्केटबॉल खेलूँ, बट ये अभी तक नहीं पूरा हो पाया, तो मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की सोच रहा हूँ कि कैसे मैं इन दोनों को मैनेज कर सकूँ। और क्या मस्त लाइट चल रही है ना पीछे डुक 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 करके, तो अभी मैं लेके आया हूँ एप्पल और बनाना, क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्रा है, मेरा व्रत भी है तो। और मेरे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरे ओट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो ऑर्डर किया है मैंने कल ही, मुझे पता था कि ओट्स ख़त्म होने वाले हैं, मैं रोज़ खाता था बट मैं वो डब्बे से डालता था, तो मेरे को ना लगता था कि यार ये तो भरा हुआ है, बट जब कल मैंने डाला और कुछ निकला ही नहीं ना, तो दिल से वो लगा भाई, तो ओट्स ऑर्डर कर दिए हैं, वो भी आ जाएंगे 11 तारीख तक, उसके बाद फिर हम ओट्स खाएंगे। इस बार कुछ अलग ओट्स मंगवाए हैं हमने, कुछ डिफरेंट कर रहा है आज इस बार सॉरी। तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं, कॉलेज जाना है, बाल देखो कैसे होगा, इसलिए मैं ये कैप पहन के जाता हूँ। तो लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस, राइट नाउ अभी 7:12 हो रहे हैं और टुडे इज 8th of October, वर्कआउट अभी जस्ट ख़त्म किया है, 7:18 हो रहे हैं अभी, और आज जो चेस्ट और एब्स का दिन था तो बहुत ज़्यादा ही हो गया यार, चेस्ट तो पूरा पेन कर रहा है, एब्स भी हो गया है। सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू टेक अ कैलोरी डिफिशियंट डाइट, जितना मैं बर्न कर रहा हूँ उससे हाफ ही मैं ले लूँ कैलोरीज, तो ये मेरा एक
स्मॉल सा प्लान है जो बहुत ही इफेक्टिव प्लान है, और अभी बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ मैं। और व्लॉग्स रेगुलर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई का लेवल बढ़ चुका है, तो इसलिए अभी व्लॉग्स मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। और क्लासेस ज़्यादा ही हो रही हैं, देन उसके बाद आकर यू नो अपना भी कवर करना होता है जो सर ने पढ़ाया होता है या जो भी चल रहा होता है, अप टू डेट रहना होता है, इसलिए व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, आई एम सॉरी। तो मैं ये ज़रूर करूँगा कि जो आज बना रहा हूँ 8th को वो ज़रूर डाल दूँ, तो उसमें पहले के भी व्लॉग्स होंगे कुछ कुछ। सो एंजॉय योर डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, और ये सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि है। और हाँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, कल भी की थी और बट कल मैं दिखा नहीं पाया कि मैंने क्या क्या लिया था, बट आज मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा। कल जो मैंने लिया था वो ब्रेकफास्ट में था एक एप्पल, और क्लासेस कल ज़्यादा थी नहीं तो मैं 11 बजे फ्री हो गया था, तो उसके आने के बाद एक पैकेट छाछ का पिया था मैंने, 1/2 लीटर। देन उसके बाद कुकुम्बर खाया था, देन उसके बाद थोड़ा सा हाँ एक बनाना शेक पिया था। उसके बाद ये था मेरा शाम के स्नैक्स में, मतलब 5 o'clock से पहले, और देन 5 o'clock के बाद मैंने और डिनर जो मैंने किया था वो किया था साबूदानी की खिचड़ी बस। और हाँ, पीनट्स जो हैं और मखाने ये मैं खा रहा था बीच बीच में, जब मेरे को भूख लग रही थी मैंने फ्राई करके रख लिए थे विदाउट एनी ऑयल, और उसको मैं बीच बीच में खा रहा था। तो ये मेरा था कल का डे, सॉरी मैं नहीं दिखा पाया बिकॉज ऑफ मैंने बोला कि थोड़ा काम था, पढ़ना ज़्यादा था और चीज़ें वगैरह लिखनी बहुत सारी थी, तो उनको करने के चक्कर में मेरे पे इतना वो नहीं हुआ कि मैं कैमरा उठा के फटाफट करूँ। और कल जो मैंने एक्सरसाइज की थी वो की थी बाइसेप्स, तो बहुत दर्द कर रहे थे तो ऐसे उठा कर ऐसे ऐसे पूरा नहीं हो पा रहा था। बट आज जो है जैसा कि मैंने बताया कि मैंने चेस्ट और एब्स किए हैं, फिर उसके बाद बास्केटबॉल भी खेली, अच्छा सेशन था बास्केटबॉल का। और अभी आने के बाद अभी मैंने एक एप्पल खाया, देन अब जो भी खाऊंगा मैं वो बताता रहूंगा, क्योंकि फास्टिंग में जिम कंटिन्यू रखना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट कर सकते हैं इसको पूरा हम। और हाँ, मेरे कुछ जो ऑर्डर्स मैंने बिग मिलियन डेज पे किए थे वो आ गए हैं, तो मैं दिखाता हूँ अभी, थोड़ी भी लेने जाना है उसको ऑर्डर को, देन बताऊंगा कि वो कितने का था, आप लोग गेस करना प्राइस कितना होगा, देन फिर मैं बताऊंगा कितना होता है, ठीक है? तो ऐसा करेंगे हम इस बार, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितने का होगा ये, और फिर देन मैं बताऊंगा कि मैंने कितने का बाय किया ये। तो अभी चलते हैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने फर्स्ट मील जो है मेरा ब्रेकफास्ट, इसमें मैंने बनाया है, तो ये बनाया है मैंने आलू गोभी को फ्राई किया है देसी घी में थोड़ा सा, और पीनट्स को हल्का सा फ्राई किया है, देन उस पर लेमन डाल के और थोड़ा नमक मसाला डाल के ये अभी मैं खा रहा हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्रेकफास्ट अभी का। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गया था, और पढ़ते हुए बीच में मैंने मखाने खाए, मखाने को थोड़ा भूज लिया था, देन उसके बाद मैंने मखाने खाए, और उसके बाद फिर मैंने कुकुम्बर भी खाया बीच बीच में, देन उसी बीच में मैंने एक ऑर्डर आया था, मुझे बहुत भूख लगती थी, उसमें एक ऑर्डर आया था वो था ये वाला, जिसमें मैंने अपने वीडियो में बोला है पहले कि मेरे ओट्स खत्म हो गए हैं, तो उसमें इसका वॉश कर चुका हूँ मैं और खा भी चुका हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो दो आए थे, तो एक ये है जो बचा हुआ है, और एक ये वाला है जो खुल चुका है, तो ये दो मंगवाए थे मैंने, ये ओट्स, क्योंकि मेरा पहले वाले ओट्स जो थे खत्म हो गए थे, ये भी अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे तो मैंने मंगवा लिए, तो ये दोनों मेरे को पड़े 349 रुपीज के बस। देन सो ये है डार्क चॉकलेट फ्लेवर, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच है ये, देन इसमें हाई फाइबर है और नो वेजिटेबल ऑयल्स, हार्ट रेट कोलेस्ट्रॉल वगैरह में डाइट के लिए ये बेस्ट है। योगा बार जो है ये मैं फर्स्ट टाइम ब्रांड ट्राई कर रहा हूँ, और इसमें डार्क चॉकलेट विद ब्लैक रिजिन्स पम्पकिंस एंड चिया सीड्स इनबिल्ट है इसके अंदर, तो अगर से कुछ फ्रूट्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, इट्स योर चॉइस। सुबह सुबह वर्कआउट करने जाना हो इसको खा के जाओ, ये बेस्ट है, जब भी भूख लगे ये खा लो, ये बेस्ट है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो, और वेट गेन करो तो भी खा सकते हो यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट मैं वेट लॉस में खा रहा हूँ तो मैं वेट लॉस बोल रहा हूँ। और मैं दिखाता हूँ क्या है ऐसे
इसमें जो डार्क चॉकलेट फ्लेवर है ना वो बहुत ज्यादा ही यमी है। दूध में डाल के जब आप खाओगे तो मजा आ जाएगा एकदम। सो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। वैसे मैंने कर तो लिया बट फिर भी एक बार दिखाता हूँ उसका कैसा दिखता है अंदर से। ये तो ये ऐसा दिखता है, थोड़ा डार्क चॉकलेट चॉकलेटिश कलर है इसका। और अब और इसको मैं करता हूँ टेस्ट, तो इट्स लाइक कि आप रियल में चॉकलेट खा रहे हैं। तो ये जितने भी चॉकलेट लवर उनके लिए बेस्ट है। और योगा बार ये ब्रांड मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं और कंफ्यूज था कि दो मैं सेम ब्रांड के मंगवा रहा हूँ, मतलब सेम ही मंगवा रहा हूँ डार्क चॉकलेट, तो उसे रहेगा नहीं रहेगा, बट आई थिंक वर्थ इट, अच्छा रहा। और अगर वैसे बंद नहीं करूँ तो खाता रहूँगा मैं। और दूसरी चीज वॉशिंग करनी शुरू करते हैं। सो जो बिग बिलियन सेल आई थी फ्लिपकार्ट पे, तो ये मैंने उससे ऑर्डर किया था। मैंने बताया भी था कि मैंने एक शूज़ ऑर्डर किया है और भी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ये शूज़ था। और मैंने बताया था इसका प्राइस भी आप लोग ही करोगे, आप लोग बताओ कितना प्राइस है, फिर डेन कमेंट सेक्शन में अगर बताओगे तो मैं बताऊँगा कितना प्राइस है इसका एक्चुअल में, और इसका लिंक भी डाल दूंगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया कमेंट सेक्शन में। तो इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से। करो तो मैं चाह रहा हूँ ये फाड़ना खामा का, अगर साइज नहीं आया तो वापस तो करना पड़ेगा ना। तो ये शूज मैंने लिया है, दिखाता हूँ अच्छे से आपको, दो निकाल लेता हूँ। ये वॉकिंग रनिंग जिम शूज़ हैं, तो मैं इनको जिम पर्पज के लिए यूज करूँगा। थोड़ा इसका पेपर वर्क निकाल देते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी मतलब इनको पसंद ऐसे ही है जो थोड़े ना स्पंजी स्पंजी से हो, कि जब मैं उनको पहन के चलूँ तो कुछ फील हो बट ज़्यादा फील ना हो, क्योंकि इससे वेट जो है वो कम हो जाता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सोल थोड़ा थिक होता तो वेट थोड़ा मेरे को फील होता, बट फील नहीं हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सही है। सो ये दिखने में तो बहुत कूल है, और ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है, और लाइट वेटेड है, और मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ उसको, मैं खेल के आराम से खेल सकता हूँ, और हर चीज़ में मेरे को ये बहुत आराम देगा। सबसे क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसका ये जो है सोल है बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसको पहनने के बाद लगेगा भी नहीं कि कुछ ज़्यादा हैवी कुछ पहन रखा है। हाँ क्योंकि ये हाई सोल है थोड़ा, हाँ जितने भी हाई सोल शूज़ होते हैं उनमें होता है कि एक पुश देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। और इसकी कंपनी जो है वो एशियन है, तो आप गेस कर सकते हो प्राइस अगर आप कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। तो ये दो शूज़ मैंने मंगवाए हैं, सॉरी एक शूज़ मंगवाया है।